तो आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं, अबे स्टैंड ऊपर ले बराबर, जिंदगी एक सफर है और उसको मैं बहुत अच्छे से काट रहा हूँ। हाँ मेरी जान, तो पब्लिक कुछ जीत आ चुका है, अमन आ रहा है और हम लोग निकल रहे हैं एक राइड पे 2 दिन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया सफर नए अंदाज से। तो अपन ने शुरू किया है अपना सफ़र, यह है अपने साथ एक शाइन, होंडा शाइन। हाँ मतलब अपने साथ जैसे लास्ट टाइम हमारे दमन वाली राइड में, जब मैं दमन जा रहा था तो उस टाइम राइड पे थी हमारे साथ में एक ग्लैमर, जो कि हमारे एकदम बराबर चली थी। और अब केरी बार हमारे साथ है हमारे खुशजीत सिंह, खुशजीत लाला। तो ये भी मेरे हिसाब से बराबर ही चलेगी, ज़्यादा गैप पड़ेगा नहीं इसके और हम लोग के बीच में, क्योंकि ये भी देख रहे हो इसको तो इतनी घाई रहती है ना सुबह सुबह गाड़ी पे। ये मेरे साथ दूसरी राइड कर रहा है, इसके पहले उत्तन गए थे हम लोग, लेकिन वो पाली उत्तन वाला मैंने व्लॉग डाला ही नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा वाहियात हो गया था, वो व्लॉग व्लॉग के जैसा था ही नहीं, वो तो बस कर दिया ऐसा लग रहा था। तो चलिए अभी फटाफट पहुँचते हैं अपने वही पिकअप पॉइंट पे, जहाँ से जाके अपने को बाकी लोगों से मिलना है। अमन भी आ रही है, अमन आज लेट हो गया है शायद से। तो अभी वक्त हो रहा है 5:10, हाँ मेरे इसकी घड़ी ख़राब है, ये 9:35 दिखा रही है, बट 5:10 हो रहे क्योंकि 5 मिनट कम था जब मैं उतरा था, गाड़ी वार्म अप कर ली थी थोड़ी सी और अब पेट्रोल भराना बस, बाकी कुछ नहीं। ये आ गया गुरु तेग बहादुर मोनो रेल का स्टेशन, धीरे धीरे करके पहुंच ही जाएंगे अपनी मंजिल पर क्योंकि मंजिल है कुछ लंबी। चलो बताता हूँ आगे। और ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, आसमान थोड़ा थोड़ा साफ दिख रहा है मेरे को, मैंने रेनकोट पहन लिया और मेरे को ये आसमान साफ कैसे दिख सकता है। चलो अच्छी बात है, मैं व्लॉग तो कर ही सकता हूँ अगर आसमान साफ है तो, बस रोड गीले है तो डर लगता है थोड़ा। और क्या बाकी तो सब मजे में है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर बैक ऑन द ट्रैक, वी आर गोइंग टू हैव सम फन ऑन दिस राइड। मेरी इंग्लिश बहुत खतरनाक है तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो पब्लिक अपन पहुंच गए और अपने साथीदार भी इधर ही किधर होंगे मेरे हिसाब से। साथी इधर होंगे मेरे हिसाब से, तो हाँ ये रहे सारे के सारे। तो ये रहे अपने सारे के सारे दोस्त यार, जो कि फुल रॉन रेडी है। ये हमारे अल्ताफ सेठ, अनस भाई और फैसल सेठ, क्या बोलते भाई? सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। वापस अपन एक नए सफर की शुरुआत करते हुए, चाय पीते हुए सुबह सुबह। तो कुछ ऐसा स्लो करना पड़ता है, मतलब रुकना पड़ता है क्योंकि ये आवाज़ में अपनी आवाज़ नहीं आएगी ना। तो मैं चाय पी रहा हूँ और सारे ही लोग चाय पी रहे हैं। अनस भाई सेब खा रहे हैं। हाँ अनस भाई सेब क्यों खा रहे हो? जिम जाने के लिए, बॉडी बनाने। देख रहे हो डेडिकेशन, देख रहे हो सुबह चाय नहीं पिएगा इंसान, जिम जाने के लिए पहला सेब खाएंगे। चलो ठीक है, और एक शूटर बाकी है अपना अमन, वो और आ जाए फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से अपनी नई कहानी को बनाने। देखते हैं क्या देखने मिलता है और क्या दिखा सकते हैं। तो क्या है फिर भाई कुछ आतंक मचाने का? क्या करना है? अरे इधर देख के बोलो यार, क्या करना है? आतंक मचाने का समझ रहे हो ना। तो बाकी की बात करते हैं अभी सब आने के बाद में। और पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल भराना है सबको, सबकी टंकी खाली है, पेट्रोल वाला फुल
पैसा पैसा होने वाला है आज, वो अंबानी बन के जाएगा पेट्रोल पंप, आज बहुत पैसा है अंबानी मेरे, समझ रहे हो ना, वही गाड़ी मेरी। हम लोग सब आ चुके हैं एक एक करके पेट्रोल पंप पे, जिसमें मैं आपको लाइनअप दिखा देता हूँ अभी फटाफट। लोग सब रेनकोट पहन लिया है सभी ने, कि मैंने तो पहन लिया, बाकी किसी ने नहीं पहना। क्या हो गया कीचड़? अबे संभाल के चल रहा बाबा, तू सबसे पीछे चल। हाँ क्या बात कर रहे हो? अबे स्टैंड ऊपर ले बराबर। सो क्या है कर रहे तू बोला? सो के नहीं आता है? देख रहा हूँ देख रहा हूँ, मैटर ही मैटर है। चलो गोंडी में। तो आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर, और ये राइड हमारी एक दिन वाली नहीं है, समझ जाओ कितने दिन वाली है। तो आराम से जाएंगे सुकून के साथ, क्योंकि खुश की मम्मी ने भी बोला था कि सब स्लो और आराम से जाइए। तो ठीक है आंटी, हम लोग स्लोली स्लोली जाएंगे। ये भी बाजू में ही है, उसको बोलता हूँ थोड़ा लंबा लंबा चल। रह रहे हमारे अमान सेठ, क्या बोलता लाला? वो जोश में आज भी, अबे मेरे साथ घर से आया भगाते हुए आया, मैं पीछे ही आगे। तो गाइस हमारे खुश जो है वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं राइड पे आने के बाद। हाँ मैं सबसे पीछे चलता हूँ। तो गाइस चलो आगे किधर रुक के, जहाँ रुकेंगे फ्यूलिंग के लिए, क्योंकि वहाँ जहाँ लास्ट जगह हम लोग रुके थे पेट्रोल भराने, वहाँ पेट्रोल था नहीं, मेरी गाड़ी एकदम एम्प्टी है। तो हम लोग आप आगे किधर रुकेंगे ना, तो वहाँ पर भराएंगे पेट्रोल। अरे बाप रे, काफ़ी वाहियात से रोड है ना। तो चलो मिलते हैं कहीं आगे, और फिर आपसे बात करता हूँ, क्योंकि अंधेरा है ना तो कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, और हाईवे ही है, क्या फिर क्या ही बात कर पाएंगे अपन इस पर, है ना। चलिए मिलते हैं फिर बाद में। गाइस हाईवे से उतर के हम लोग रुके एक जगह पेट्रोल पंप के लिए, मतलब रिफ्यूलिंग के लिए। मेरी गाड़ी तो पूरी एम्प्टी है, दिख रही होगी आप लोगों को, है ना। तो ये रहे सारे के सारे, चलिए बढ़िया बात है। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, और ये बादल भी आ चुके हैं ऊपर। तो अब मेरे हिसाब से तो हम लोग अब आगे ही मैं व्लॉग करूँगा, क्योंकि मैं गोप्रो उतार के रख दूँगा। इतनी बारिश में कौन व्लॉग करेगा भाई, और होगा भी कैसे, क्योंकि बारिश होने लगेगी तो व्लॉग नहीं होगा, बट राइड तो कर लेंगे अपन, बस व्लॉग नहीं होगा। और ये उसी तरफ जा रही है जिस तरफ हम जा रहे हैं, मतलब नवी मुंबई वाशी पनवेल वाले साइड में, हम भी वही तरफ जा रहे हैं, बारिश भी वही तरफ जा रही है। सो देखते हैं अभी क्या हो सकता है। तो फिलहाल तो मैं गोप्रो को उतार के अपने बैग में ही रख रहा हूँ, क्योंकि भाई इनका भरोसा नहीं, ये चालू हो गए ना तो दिक्कत हो जाएगी फिर। और हाईवे पे कहीं रुक के शेड भी नहीं मिलेगा, जिससे हम लोग अपना सब सेटअप कर ले। इसके लिए सबके सब रेनकोट में रेडी हो गए। चलो मिलते हैं कहीं अच्छी सेफ उजाले के वक्त। तो बाय। तो पब्लिक अभी फिलहाल हम लोग रुके हैं एक अपने वही चाय नाश्ता वाले स्पॉट में, पनवेल में, पनवेल से थोड़ा आगे ना से। अरे देख के बोलो ना यार, जी भाई पनवेल से। हाँ पनवेल गांव है ये, क्योंकि अपने को एड्रेस से थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ये जितने लोग हैं इन सबको एड्रेस एक नंबर मालूम। तो अल्ताफ भाई क्या क्या बोलना चाहोगे, पहली राइड है हम लोग के साथ। इतनी भी सच्चाई नहीं बोलनी थी, लेकिन अब बोल दिए तो ठीक है। तो हम लोग पहले खा लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। अभी हमारे दो भाई लोग का आया नहीं, इनका आएगा, उसके बाद हम खाएगा और फिर यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अभी गोप्रो में बहुत जल्दी।
अब अपना खाना नाश्ता करके हो गया है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ से रैप अप करेंगे अपना। हेलमेट की हालत दिखाता हूँ। बारिश के वजह से हमारा AGV एकदम शाइनी ग्लॉसी ब्लैक था, अब उसका कलर आप लोग बताओ कैसा हो गया। तो बस यहाँ से निकलेंगे, अगर देखता हूँ मैं, अगर मौसम सही रहा तो हम लोग फिर इसके मतलब मैं तो व्लॉगिंग कर लूँगा थोड़ा बहुत, नहीं तो लोनावाला जाते जाते कहीं ना कहीं एक जगह रुक के कैमरा लगा लूँगा, क्योंकि बारिश को देख के बहुत डर लगता है कैमरे के लिए, क्योंकि उसमें बहुत फॉग आ जाता है। बारिश से थोड़ा थोड़ा फॉग बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ जाता है कि फिर बहुत बुरा दिखने लगता है। तो वही सोच रहा हूँ, जब अगर लगा हम लोग को तो करेंगे, नहीं तो मिलते सीधा पॉइंट पे। और बाकी गाड़ी का लाइनअप बाहर दिखाता हूँ आप लोगों को। हम लोग आए थे इधर, रुके थे मतलब नाश्ता पानी करने, श्री शाही में साउथ इंडियन इंडियन चाइनीज खाना मिलता है इधर, बट हम लोग ने तो इडली वड़ा खाए। अभी एक एक करके सब निकल रहे, फैसल भाई की गाड़ी रेडी हो गई, अल्ताफ सेठ रेडी, सब रेडी है भाई। क्या देख रहा है, क्या हुआ, हाँ आ रहा है क्या, कहाँ से, हाँ अबे ऑयल नहीं है चेन ल्यूब है, गियर के इधर ना, डरा दिया यार। फिर से सफर की शुरुआत, ये जगह आप लोगों ने पहले भी बहुत बार देखी होगी और अब फिर देखोगे और आगे भी देखते रहोगे, क्योंकि हम लोग लोनावाला मारते हुए जाएंगे पुणे वाले रास्ते से, जो हम लोग पुणे गए थे ना सेम वही रास्ते से। तो बने रहिए अपने मुसाफिर के साथ। अरे थोड़ी वियर्ड सी नॉइज़ आएगी क्योंकि रेनकोट पहना हुआ है और रेनकोट की हालत देख रहे हो, सबके सबके रेनकोट ख़राब हो गए भाई। अरे बाप रे बाप, बहुत बुरा रास्ता है। अरे क्या, अपने आगे जो बाइक दिख रही है ना आपको, ये वाली नहीं, वो ब्लैक हेलमेट वाले जो आगे चल रहे हैं रेड हेलमेट के बाजू में, ये दिखेगा सामने वाइट गाड़ी के बाजू में, वो है अपने अनस भाई, और उनके आगे चल रहा है खुजीत सिंह। आंटी देखो, आपने बोला था कि स्लो चलना है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा फास्ट चल रहा है। तो अल्ताफ सेठ एकदम फुल जोश में, सब सही है ना, वो निकाल दिए क्या, अभी मस्त दिख रहा रहेगा है ना, ऐसा लग रहा है डायरेक्ट ही देख रहा हूँ, हाई हाई नहीं देख रहा हूँ 390। ये चल रहा है खुश अपने आगे शाइन पे, ट्रैफिक लग गया यार, 8 बज रहा है और अभी। अगर गाइस फॉग आ रहा होगा तो थोड़ा संभाल लेना, क्योंकि मौसम की वजह से अपनी गोप्रो में धीरे धीरे फॉग जमना शुरू हो जाता है, और जो कि हो चुका है
फॉग जमना, क्या कर सकते, कुछ इसका उपाय निकालना पड़ेगा धीरे धीरे मेरे को। लेकिन जब तक गाड़ी तो भगा लो। क्या कर सकते हैं भाई, सब 390 वाले 400 वाले, फिर भी अपन कवर कर रहे हैं इनको। यागाना सेट एजीवी के हेलमेट के साथ यहाँ गए हम लोग शेडुंग टोल। अरे तेरी पुलिस वाले है इधर पर। अपन तो सब पास हो गए। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। और भाई लोग फिर से बरसात हुई थी, बंद हो गई क्या? हाँ बंद हो गई। ये लोनावला सिटी नहीं, खपोली सिटी। सॉरी सॉरी गाइस, हमसे हमेशा गड़बड़ हो जाता है। अंदर अंदर। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, एक नंबर। क्या मस्त फील था ना, हमारे सारे दोस्त साथ में, मौसम अपने साथ में, एकदम नॉस्टैल्जिक नॉस्टैल्जिक लगता ना ऐसे टाइम पे। क्या बताऊँ यारो, जिंदगी एक सफर है और उसको मैं बहुत अच्छे से काट रहा हूँ। हाँ मेरी जान, सलाम वालेकुम। 15 किलोमीटर पुणे 71। अब बात करेंगे अपन आगे, क्योंकि बस अब थोड़े थोड़े से रास्ते हैं, फिर उसके बाद अपन लोनावाला वाले साइड में चढ़ जाएंगे, देखेंगे। वैसे ये लोग बोल तो रहे कि मैगी उगी कुछ खाना है इनको, तो देख लेंगे एक बार। ले लिया जाए मैगी। ब्रो बादल देख रहे हो गाइस, देख रहे हो बादल, देख रहे हो एजीवी, देख रहे हो सेठ। थोड़ा पीछे चलो ना, वीडियो अच्छा आएगा। थोड़ा पीछे चलो ना, अच्छा वीडियो आएगा। थोड़ा वो साइड आगे चल के क्रॉस चलो। एजीवी के हाल बेहाल हो गए। अरे बाप रे, ये था क्या, मेरे को लगा सिर्फ पेंट है। चलो मिलते हैं आगे किसी नए लोकेशन पे, नई मस्ती नई हस्ती के साथ। क्या बोलता खुश, तो खुश मेरा भाई, खुश है? चलो एकदम चार दे भी। चलो अच्छी बात है, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो क्लास डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी गाड़ी लेके आओ, एक्टिवा एक्सेस कुछ भी, सब राइड कर सकते हैं एक साथ में। वी स्टैंड फॉर एन यूनिटी ऑफ मोटर बाइक्स, क्योंकि कुछ कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम सिर्फ भाई ड्यूक ही चलाते हैं, हमारे में सिर्फ आरएस ही चाहिए, या हमारे को सिर्फ डोमिनार का ही ग्रुप बनाना। 5 उंगली सेम नहीं हो सकती कभी भी, है ना।
दैट्स व्हाई। और सेम गाड़ी रहेगी तो सब एक दूसरे की कमी ही गिना करेंगे, तेरी गाड़ी में ये कम है, तेरी गाड़ी में वो कम है। तो हमारी गाड़ियाँ तो सब वैसे भी सब ऊपर नीचे ही है, तो कमी क्या ही दिखा लोगे यार, है कम तो, है ना। चलो खपोली सिटी पहुँच गया। ओहो हो, क्या बुरी बात आ रही है बाबा, मच्छी की, आ हा हा, बहुत बुरा है बस, है ना। चलो अब खपोली का पहाड़ चढ़ते वक्त थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अच्छा ये कि तो फ्रेश एयर, चलो मिलते हैं अभी आगे, नहीं तो मैं ऐसी बकैती करते रहूंगा, है ना। वी रोड्स, ओहो गाड़ी पहाड़ पे आ गई, इसको जरूर बोलेगा ये कुछ ना कुछ। पक्का बोलेगा, और ये वादी एकदम मस्त, तेरे को क्या मालूम, देखो रे ऊपर ही भेज दिए तुम उसको, क्या लाला। चलो यार सेठ, देख रहे हो गाइस, रे रे रे, अमन तेरे दोस्त यार बैठे यार बैग में, ए ओए बैग में आएगा, बैग में नहीं बोलता, चल। तो गाइस ऐसी मस्ती गस्ती करते हुए हम लोग जा रहे हैं, और ये हरी हरी वादियों में गाड़ी चलाने जो मज़ा आता है ना गाइस, फील करो सिर्फ, मैं बोल बहुत रहा हूँ और मेरे को, अरे काले मुंह के, ए चेंज ओवर हो गया अबे, कार्बन लग गया गाइस इन लोग को, अपन इतना, डू नॉट ओवरटेक, बी वेयर व्हीकल्स टर्न्स हियर, देख रहे गाइस टर्न होते होते भाई साहब अंदर ही चले गए सीधा, ये देख रहे फुल अंदर चले गए। ये आ गया वो खपोली का टाटा पावर वाला रास्ता, देख रहे खपोली टाटा पावर कॉलोनी, बहुत सारी यादें हैं इधर की। और ये कुछ हम जब हम लोग पुणे जा रहे थे गाइस, क्या बैंड मार रहे थे मालूम, इधर ये देखो, वाले अमान एकदम जोश में लाला। चलो गाइस अब बहुत कर्व दिखा दिया आपको, अब मैं रखता हूँ क्योंकि बैटरी अपने पास थोड़ी, बैटरी का थोड़ा शॉर्टेज है अपने पास, है ना। तो मिलते हैं फिर कहीं नए मोड़ पे। चलो एक दो कर्व और कर ही लेते ना, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या है ना। और ये बेंड करेगी हमारी पलटन धीरे धीरे, आ आ आ आ आ, मैं भी कर लेता हूँ ना थोड़ा, हाँ 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 मज़ा आ गया। मैं गलत था गाइस क्योंकि मैं पूरा ये तरफ आ गया था, ऊपर करेंगे आजा। ये सीधा किधर जा रहा है, ये क्या कर रहे हो सेठ, अरे ऐसा मत करो, आ जाओ
तेरी फोगी फोगे। देख रहे हो गाइस, ये अभी तक हम खपोली में ही है, अभी तक लोनावाला भी नहीं चढ़े, अब जा रहे हैं वो तरफ, रुकेंगे थोड़ा थोड़ा, मचाएंगे ब्रो मचाएंगे। मस्त मस्त भाई, क्या व्यू है, क्या व्यू है, क्या व्यू है। तो गाइस अब मिलते हैं आपको फ्रंट कैमरे में। तो गाइस मालूम हम लोग कहाँ हैं? हम लोग है खपोली का एक पॉइंट है पहाड़ पे, जो खपोली से ऊपर खंडाला जाने वाला रास्ता है, ये वो रास्ता है। और हम लोग यहाँ पे, और मेरे पीछे फॉग देखो, वो हो चेक करो खाली, मतलब जो फील हो रहा है ना यहाँ आने के बाद, वो एकदम मस्त। अल्ताफ भाई क्या नया व्लॉगर आया था मार्केट में, अल्ताफ भाई दो लाइन हो जाए कुछ माहौल को देख के। आईफोन लेना तो गाइस कॉन्टेक्ट टू मी। क्या आईफोन लेना है? आ जाओ एक मिनट, आईफोन लेना है? नहीं भाई भाई, आ जाओ दिला देंगे, दिला भी देंगे, दिला भी देंगे। कहाँ पे आना है? वडाला में आईनेक्स के पीछे और रीमा के नीचे। रीमा के नीचे? रीमा कोई वो नहीं है, मतलब कोई लड़की नहीं है, रीमा बोल के एक, हाँ रीमा बाइक एक्सेसरीज। अरे यार बाइक की एक्स नहीं है, बाइक एक्सेसरीज की दुकान है रीमा बोल के एक, तो उसके नीचे बहुत सारा मतलब गाड़ी का डीलिंग हुआ है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आ जाओ दिला देंगे, डीमार्ट के पीछे और रीमा के नीचे। मतलब आप लोग गलत मत समझना, गलत मत समझना। तो अभी फिलहाल तो यहीं पे, समझ रहे हो ना, सीन्स चेक करो गाइस, एकदम फुल फुल ऑन जिम वाला बैग लेके, जिम वाला बैग लगा दो। हाँ हाँ, और ये देख रहे हो तुम्हारा मुसाफिर। क्या क्या करना पड़ रहा है यार? अरे अरे यार वीडियो चालू है, गाली नहीं, नहीं गाली नहीं दे रहा था मैं। हाँ दिख रहा है। इधर इधर तो देखो, नजाकते। तो यहाँ पे अभी चालू है, शूटिंग चालू है, फैजल भाई भी बिजी है, और दूसरी बात क्या है, सब यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ का तो काम हो गया है, अब बस यहाँ से कुछ छोटा मोटा फोटो वोटो खींचना था, रील वील बनाना था, बना लिए, अब यहाँ से निकलेंगे। हाँ ये देखो हमारे अनस भाई है। भी गुड। कैसे कैसे? भी गुड। ए, क्या बोल रहे थे? नहीं बोलो, हेलो गाइस, ये मेरा पहला पहला टाइम है जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बनाऊंगा। क्या क्या मेरा मूड नहीं है ब्लॉगर जैसा, मैं व्लॉग करूंगा।
कुछ हो जाए गाइस, किसके इसके पे शूट करता, मेरे पे शूट करता, मुंह तेरा नहीं है। स्मार्ट ब्रो, कमेंट्स में भाई भालू दिखता नहीं गाइस, कमेंट करो इस सके से भालू दिखता है कि नहीं, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो इस चेहरे को, कमेंट्स में बताइए भालू को इमेजिन लगा इसके चेहरे पे, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, ये आई एम अ बाबी गर्ल, वो जो बोले शक्कर खराब दो दो बोले शक्कर खराब दो बोले, अरे सब्सक्राइब करना तो बोलो भाई, मुसाफिर भाई बहुत मेहनत करते हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सकरा पाई क्या करने का है, इनको सपोर्ट करिए, मुसाफिर भाई को सपोर्ट करिए, देखो हाँ लाइव लाइव दिल से मोहब्बत से ठोको, ठोक के फोड़ दो, ठोकने में कुछ नहीं आता भाई, आपकी एक सेकंड की मेहनत हमारा चेहरे को ब्लॉक में नहीं लिया जाएगा, जो सोच रहा था मुसाफिर डाले गलत होता ना, मैं वैसे डिलीट करके आ गया, अच्छा डिलीट कर ना भाई, 15 मिनट का कंटेंट। तो ये कंटेंट बढ़ाते हुए हमारे दोस्त यार ऐसे ही करते रहेंगे तो मेरा कंटेंट बढ़ते रहेगा, और देखो निंजा क्या दिख रही है पीछे, ब्लर हो गई बट ठीक है, देखो मेरे को तो अच्छा लग रहा, मौसम मस्ताना, आइटम मस्ताना, ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना।